हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समीला किचन। आज हम बनाने वाले हैं नवरत्न पुलाव। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ आलू लिए थे, उसे हमने इस शेप में काट लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे फिर हमने कुछ मटर लिए हैं, इन्हें भी छील लिया। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, और ये गोभी को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और ये गाजर। आप चाहे तो इसके अलावा भी कोई और सब्ज़ी भी ले सकते हैं, जैसे कि बीन, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ प्याज काट लिए, एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसे हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्च है, उसे भी हमने चीरा काट के काट लिया है। ये हमने टमाटर लिए थे दो, उसे भी हमने काट लिया है, ये देखिए इस शेप में हमने काटा है। और ये हमने कुछ ऐसे मसाले लिए हैं जिसे हम मिक्सी में पीसेंगे। यहाँ पे हमने इलायची, वो जावित्री का फूल लिया है, फिर दालचीनी, और ये 7 से 8 लौंग, और ये बड़ी इलायची, और ये ज़ीरा, और ये हरी इलायची 3 से 4। इसे हम मिक्सी की जार में सब चीज़ों को डाल देंगे, ये देखिए सब चीज़ों को डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला थोड़ा सा कम था, उसीलिए हमारा ये सही से पिसा नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल देंगे, भर के अच्छी तरीके से अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो साबुत, मतलब 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। हमारे पास पेस्ट था, इसलिए आपको दिखाने के लिए पेस्ट डाला है हमने। और ये लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे भर के, ये देखिए। आपके पास अगर ना हो पेस्ट तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर अपना तेल डालेंगे, और तेल डालने के बाद हमारी जो शिमला मिर्च है हम उसको उसके अंदर डाल देंगे तेल के अंदर, और उसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। नमक डाल देंगे थोड़ा सा पहले, फिर फ्राई करेंगे, चलो कोई बात नहीं। और जब तक हमारा ये शिमला मिर्च फ्राई हो रहा है, जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ना। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपनी गोभी डालेंगे, और देखिए हम गोभी डालने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से चला चला कर फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे अभी से। ये देखिए हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है, इसी तरीके से। जब हमारे ये फ्राई हो जाएगी गोभी, तब हम इसके अंदर दूसरी सब्जी डालेंगे, यानी कि गाजर। गाजर को हम इसके अंदर डालेंगे, और फिर इसे भी फ्राई करेंगे। एक एक करके सभी सब्जियों को फ्राई करेंगे हम। ये देखिए हमारे गाजर, शिमला मिर्च और ये गोभी फ्राई हो चुके हैं। तब हम इसके अंदर आलू डालेंगे अपने, और आलू को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे आलू भी कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं ना, इन्हें भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी सब्ज़ियाँ फ्राई हो रही हैं, इन्हें इसी तरीके से फ्राई करना है हमें। और हमारे देखिए ये सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, ये देखिए हमारी कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। और अगर आपको मेरी और भी रेसिपीज सब्जियों की चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अरवी की सब्जी डाली है, वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाली है, वहाँ से देख सकते हैं। हम इसके अंदर अब मटर डाल देंगे, और मटर को भी अच्छी तरीके से सारी सब्जियों के साथ टोस्ट करेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे हम इसे, अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे इसे। ये देखिए हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है सारी सब्जियों को। हम थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से फ्राई हो, उसके लिए हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम खोलते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। इसे बीच बीच में हमें चलाना है, ये नहीं कि ढक के रख ही दो, इसे हमें चलाना है, वरना जैसे जल वल जाएंगी ये सब्जियाँ। ये देखिए हम इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे। अब हम अपनी कढ़ाई, वो कुकर की तरफ चलते हैं। ये हम अपने कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे, और फिर इसके अंदर तेल डालेंगे। हम इसके अंदर तेल डाल देंगे अच्छी तरीके से, और यहाँ पे हमने 250 ग्राम लिया है गोश्त, 250 ग्राम हमने चिकन लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकते हैं। फिर हमारे तेल को हम गर्म होने देंगे, जब गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, और फिर ज़ीरा डालने के बाद हम इसके अंदर तेज पत्ता डालेंगे दो, और फिर हल्का सा होने देंगे, हल्का सा गर्म होने देंगे हम इसको। और जब ये थोड़ा सा हल्का सा टोस्ट हो जाए, इसको गर्म हो जाए, तो फिर इसके अंदर हम अपने कटे हुए प्याज डालेंगे। हम सभी प्याज को इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे ऐसे फ्राई कर लेंगे हम। हमने यहाँ पे 2 घंटे के लिए अपने चावल को मतलब भिगो के रख दिया था, ऐसी करके हमें 2 घंटे के लिए अपने चावल को रखना है। हमने इस गिलास से भिगो के रखा था, तो फिर इसी गिलास से हम पानी डालेंगे।
ठीक है। और फिर हमारे इधर देखिए हमारा प्याज भी अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है, इसे हम अच्छी तरीके से चला चला के फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसके अंदर अपना चिकन डाल देंगे, जो हमने लिए थे ना चिकन, वो चिकन इसके अंदर सारे डाल देंगे और फिर इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमें अपने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे जिससे चिकन सॉफ्ट हो जाए और हाँ कुकर में चिपके भी ना। और फिर दोबारा फ्राई करेंगे हम इसे। फिर देखिए इतनी आसानी से चिपक भी नहीं रहे और चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। हमें चिकन को अपने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए हमारा चिकन कितनी बड़ी तरीके से फ्राई हो चुका है। तब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। देखिए हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरीके से अच्छी घुमा घुमा के अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हम देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे सूखे, फॉर एग्जांपल हल्दी डालेंगे हम 1.5 चम्मच, फिर धनिया पाउडर 2 चम्मच, और फिर धनिया पाउडर डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर नमक, वो भी स्वाद अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक डालें तो ही ठीक होता है। हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है, अब हम इसको मिला लेंगे। मिर्ची डालने के बाद हमने यहाँ पे 1 चम्मच मिर्ची डाली थी, इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से, मिला के भूनेंगे फिर से अच्छी तरीके से। ये मसाला कितना टेस्ट लग रहा है देखने में, इसी तरीके से हमें भूनना है और मिलाना है। ये देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, कितना बढ़िया हो गया ना। अब हमने जो इसके मसाले पीसे थे मिक्सी में वो इसके अंदर डाल देंगे, जो हमने मिक्सी में पीसा था ना, याद होगा, हाँ वही मसाला हम इसके अंदर डालेंगे और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसे भी हम अपने मसाले को अच्छी तरीके से इस चिकन के साथ मिला लेंगे और मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर और पानी डालने के बाद फिर मिलाएंगे। मेरे हाथों से चल नहीं रहा था इसीलिए चलाया, फिर आके मम्मी चलाया। ये देखिए हम इस चिकन को अच्छी तरीके से मिलाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से। जब मिल जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे स्मूथ, क्योंकि भुनने में टाइम लगेगा ना उसको, उसीलिए हमें अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है। हमारा तेल तो टप टप कर रहा है इस पर, मतलब ऊपर आ गया हमारा तेल, देखिए कितनी चीज़ ऊपर आ गया ना। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए हमारे चिकन में कितना धुआं धुआं आ रहा है और हमारे चिकन में कितना अच्छी तरीके से हो चुका है मसाला, इसका कितना बढ़िया लग रहा है, वैसे समझ नहीं आ रहा होगा वैसे आपको। फिर यहाँ पे हमने 4 चम्मच इसके अंदर डाली है दही, हमने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था और फिर हमने दही को इसके अंदर मिला लेंगे। दही को हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा दही इसके अंदर कितनी अच्छी तरीके से मिल चुका है और हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया ना, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तेल भी ऊपर छूट गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तेल कुछ ज़्यादा ही लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा मसाला। ये देखिए इसी तरीके से हमें फ्राई करना है। इसके अंदर हम जो हमने हरी मिर्च काट रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला लेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको चटपटा कम या ज़्यादा पसंद हो तो कर सकते हैं ऐसा। फिर हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा आ चुका है इसके अंदर कलर। तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे थे, हम इसके अंदर अपने सारे चावल डाल देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम अपने सारे चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसे मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करना है। ये देखिए 2 मिनट इसी तरीके से हम मसाले में मिक्स करेंगे इसे और 2 मिनट तक इसे भूनेंगे, बिना पानी वानी डाले इसे भूनना है हमें 2 मिनट तक मसाला डालने के। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसे मसाले में मिला लिया है, अब हम इसे 2 मिनट तक बिना पानी डाले इसे भूनेंगे। ये देखिए हमारा कितने अच्छी तरीके से भून रहा है, हम ध्यान रखेंगे कि नीचे ये जले ना और बिल्कुल भी चिपके ना।
हमें इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट तक लगभग भूनना है। इसके अंदर भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। देखिए, हमने 3 गिलास चावल लिए थे, जिस गिलास से हमने नापा था ना चावल, उसी गिलास से हम इसके अंदर 3 गिलास हमने चावल लिए थे, तो इसके अंदर हम 6 गिलास पानी डालेंगे, मीन्स डबल। अभी हमने 4 गिलास पानी डाल दिया ना, अभी देखिए 5 और एक और गिलास डालेंगे हम अभी। नहीं, 6 हो गया। अब मिलाएंगे हम इसे, ये देखिए हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। 6 गिलास टोटल हमने डाला है, क्योंकि 3 गिलास हमें चावल डाला था। अब हम इसके अंदर अचार डालेंगे, खट्टा खट्टा, ठीक है। हम इसके अंदर अचार डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए, अब हमारे मिल चुका है अचार। अब हम इसके अंदर जो हमारी सब्जियाँ थी, फ्राई सब्जियाँ, वो इसके अंदर डाल देंगे। प्यार से, कोमलता से डालेंगे हम इसके अंदर सब्जियाँ। ये देखिए हमारी सब्जियाँ इसके अंदर डूबने जा रही हैं, ये जा चुकी हैं। सारी सब्जियों को हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, सब्जी को भी खुशी हो रही है कि मैं घुस गया तरी में। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से, इसे ही मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा हो जाएगा ना वेज नॉन वेज मिक्स। वेज और नॉन वेज दोनों मिक्स है। अच्छी तरीके से इसे डुबा लेंगे, मिला देंगे इसे अच्छी तरीके से, और जब ये हमारा मिल जाएगा, डूब जाएगा, तब हम इसे ढक देंगे और इसमें 2 सीटी लगा लेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी हो चुके हैं, ये देखिए हमारा कितना बड़े तरीके से हो चुका है ना। पर हमें ये भी तैयार नहीं हुआ, ये हमारा केवड़ा, ये हमारा तैयार नहीं हुआ अभी। ये देखिए, हम 2 सीटी लग चुका है और हमने इसे गैस पे से जब तक उतार लिया है। पर यह देखिए, हमने कलर उसमें थोड़ा पानी मिलाया और पानी में केवड़ा मिलाया। देखो कलर, थोड़ा सा केवड़ा इसके अंदर मिलाएंगे हम। मिलाने के बाद हम किसी भी चम्मच से थोड़ी सी जगह बना बना के, इस चम्मच से देखिए हमने जैसे लिया है, इस चम्मच से थोड़ी सी, जैसे ये छेद हो जाएगा ना, ऐसे बना के इसके अंदर, इसकी मदद से इसके अंदर कलर डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसके अंदर कलर डालेंगे, हर जगह हम इसे कलर डालेंगे ऐसी करके, इसी की हेल्प से, ताकि हमारा जो चावल है वो पीले, लाल, हरे, मतलब सभी कलर के बन जाएंगे। फिर तो इतनी सारी सब्जी है ना, तो ऐसे करके हमें बनाना है। अच्छी तरीके से कलर भी घुसा देना है, फिर ऊपर भी कलर थोड़ा थोड़ा डाल देना है, और फिर इसे दोबारा कुकर को बंद कर देंगे हम। कुकर को दोबारा बंद कर देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे धीमी आंच पे। ये देखिए, करीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये नवरत्न पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।